नमस्ते उनटी प्रोग्रामर्स तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में कि लूप स्टेटमेंट क्या होता है कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए एंड इसके साथ ही साथ आज हम डिटेल में बात करेंगे फॉर लूप के बारे में एंड फॉर लूप का यूज़ करके हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड इवन एंड ऑड नंबर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में दो तरीके हैं कॉन्टीन्यूस एंड ब्रेक स्टेटमेंट सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड में समझें लूप के बारे में तो जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं वो लूप कहलाता है तो शीशा प्रोग्रामिंग के अंदर भी लूप स्टेटमेंट का मतलब बार बार रिपीट होने से है तो सिंपली हम समझें तो लूप स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि हम अपने कोड के अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखे हैं उसे हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करा सकें ईजली सो लूप स्टेटमेंट के थ्रू हम ये कर सकते हैं तो सिंपली जो लूप है वो चार से पाँच तरह के होते हैं फॉर लूप वाइल्ड लूप टू वाइल्ड लूप एंड नेस्टेड लूप तो जैसे मैंने कहा हम यहाँ पे फोर लूप के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे फॉर लूप के बारे में जानेंगे तो फोर लूप क्या होता है अब हमें ये पता होना चाहिए फोर लूप का यूज़ करके हम अपने स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और लाइन बाय लाइन एंड इसमें जो है ये अपने कोड को एप्रिवेट कर लेता है छोटा कर लेता है जिसके थ्रू वो अपने लूप वेरिएबल्स को मैनेज कर सके एंड एग्जीक्यूट करा सके अपने स्टेटमेंट्स को लाइन बाय लाइन मल्टीपल टाइम्स सो ये हम फोर लूप के थ्रू कर सकते हैं तो अगर हमें और अच्छे से समझना है कि फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं हम तो सिंपली अगर हमें अपने नाम को एक बार प्रिंट कराना हो तो सिंपली हम इस प्रोग्राम का यूज़ करेंगे तो सिंपली अगर मैं इसे यहाँ पे सेव करूँ एंड ओके तो यहाँ पे जो है मैंने अपने स्क्रिप्ट को अपने क्यूब के अंदर ऐड uh, कर लिया है तो सिंपली यहाँ पे जब मैं प्रेस प्ले करूँगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरा नाम है वो एक बार यहाँ पे प्रिंट हो गया है सपोज़ हमें अपने नेम को तीन से चार बार प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे सिंपली इसे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करते जाएंगे जितनी बार हमें इसे जितनी बार हमें अपने नाम को प्रिंट करना होगा सपोज़ यहाँ पे मैंने फ़ोर और फाइव टाइम्स ये लिखा एंड मैंने इसे सेव किया अगेन हमें यहाँ आना है इसे क्लियर करना है एंड अगेन जब आप यहाँ पे प्रेस प्ले करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं जो हमारा यूनिटी जो हमारा नेम है वो चार से पांच टाइम एकदम सिंपली जो है वो प्रिंट हो गया है तो so, सपोज़ हमें यूनिटी को और अपने नेम को हंड्रेड टाइम टेन थाउजेंड टाइम हमें अगर इसे प्रिंट करना हो तो हम कैसे करेंगे तो आई गेस अगर हम इसे टेन थाउजेंड टाइम प्रिंट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगने वाला है आई डोंट थिंक सो कि ये एक अच्छा तरीका होगा किसी भी मैसेज को थाउजेंड टाइम प्रिंट करने के लिए तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके हम विद इन अ सेकेंड Uh, किसी भी चीज़ को अपने नेम को किसी भी मैसेज को इनफिनाइट टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं तो सपोज़ यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने नेम को हंड्रेड टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं और टेन थाउजेंड टाइम प्रिंट कर सकते हैं तो नाउ हमने यहाँ पे जो नाम दिया है इसके बाद आपको वाइड स्टार्ट के अंदर ही फॉर लूप का यूज़ करना है देन पैराथिस एंड नाउ अब मैं यहाँ पे जो है इंडेक्स वेरिएबल को कॉल कर रही हूँ एंड आई इक्वल टू ज़ीरो सिंपली जो है ये आपका इंडेक्स वेरिएबल है आई जो है वो आपका लोकल स्टैंडर्ड वेरिएबल है यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सपोज आप यहाँ पे अपना नाम यूज़ कर सकते हैं लाइक श्री एंड जो भी आप अपना नाम देना चाहें बट यहाँ पे मैं आई यूज कर रही हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कलर लगाना है एंड नाउ यहाँ पे हमें आई इज ग्रेटर देन नाउ अब हमें जो है यहाँ पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को देना है आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं तो यहाँ पे मैं जो है हंड्रेड ले रही हूँ आप चाहे तो हज़ार uh, और टेन थाउजेंड भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितनी बार आपको इस मैसेज को प्रिंट करना हो तो सिंपली मैंने यहाँ पे हंड्रेड लिया है नाउ आई प्लस प्लस फॉर इंक्रीमेंट एंड नाउ कटली ब्रेसेस एंड नाउ यहाँ पे अब हमें क्या करना है अपने uh, नाम को जो हमने यहाँ पे यूरिटी लिखा है उसे प्रिंट करना है सिंपली सो दीबक dot log parentheses and now unity तो जो ये हमने for loop लगाया है वो simply यहाँ पर कर करके आ रहा है पहले हमें ये समझना होगा so यहाँ पे जो है हमने index variable को लिया है इंटीज़र वैल्यू यहाँ पे हमने लिए इंडेक्स वेरिएबल दैन इसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये क्वेश्चन मार्क है बट यहाँ पे आई इज़ लेस देन थाउजेंड इसका मतलब ये यह है यहाँ पे हमने ये फिक्स कर दिया है जो हमारी आई की वैल्यू है वो हंड्रेड से कम है सो so, जब भी यहाँ पर कोई कंडीशन आएगी आई इज़ लेस देन हंड्रेड हंड्रेड से जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सब इस कंडीशन के लिए ट्रू होंगे यहाँ पे जो आई प्लस प्लस है ये हमारा इंक्रीमेंट के लिए है आई प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे है आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब है यहाँ पे जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सबसे पहले जो है यहाँ पे ये यह, जो हमने स्टेटमेंट लिया है सबसे पहले ये चेक होगा i इक्वल टू जीरो देन ओके उसके बाद ये चेक करेगा कि जो आई की वैल्यू है वो हंड्रेड से कम है कि नहीं सॉरी जीरो इज लेस देन हंड्रेड ये सही है हंड्रेड से जो है हमारा ज़ीरो छोटा है देन फिर ये आई प्लस प्लस को रीड करेगा एंड देन uh, ये आई इक्वल टू आई प्लस वन करेगा मतलब ज़ीरो प्लस वन करेगा एंड देन जो यूनिटी है वो एक बार प्रिंट हो जाएगा बिकॉज जीरो प्लस वन इक्वल टू वन होता है तो ये एक बार यूनिटी को प्रिंट कर देगा सिंपली एंड देन ये अगेन फिर uh, फिर से कंडीशन को चेक करेगा नाउ जो वैल्यू है हमारी वो सिंपली अब वन हो गई है i की वैल्यू यहाँ पे वन है देन वन इज लेस देन हंड्रेड सो अगेन ये कंडीशन थ्रू है एंड अगेन यहाँ पे एक, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा नाउ अब जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो टू एंड क्यूनिटी जो है हमारा दो बार प्रिंट हो जाएगा सिंपली सो so ये जो लूप है हमारा नाइन्टी नाइन टाइम्स चलेगा जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आपकी हंड्रेड होगी तो यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी हंड्रेड इज़ लेस देन हंड्रेड तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा एंड देन सिंपली यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं सो so दैट हमें पता चले कि जैसे ही ये रॉन्ग होगा हमारा सिंपली जो है ये प्रिंट कर देगा डीबग डॉट लॉग एंड सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं लूप हैज़ स्टॉप एंड देन यहाँ पे हमें करना है ज़ीरो तो ये हमारा फॉर लूप है एंड सिंपली यहाँ पे आपको सेव करना है एंड नाउ अगेन यहाँ पे आना है वी हैव एरर आई गेस अगेन आपको यहाँ पे आना है एंड के okay, हमने यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाया था सो so नाउ यहाँ पे अगेन आपको प्रेस प्ले करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्ज जो आपका यूनिटी है वो जो है प्रिंट हो गया है नाइन्टी नाइन टाइम्स जैसे ही हंड्रेड की कंडीशन आई है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका लूप हैज इस्टॉप लिख गया है, है। सिंपली जो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन समझाई फॉर लूप की कि जैसे ये आई इक्वल टू हंड्रेड होगा वैसे ही जो आपका लूप है जिस का मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा बिकॉज हंड्रेड इज़ लेस देन हंड्रेड ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड सिंपली यहाँ पे जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा नाउ हमें इसे अगेन क्लियर करना है ये जो हमने किया ये हमने वन टू हंड्रेड तक कैसे हम किसी भी नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं उसके लिए किया सपोज़ अगर हमें इसे क्लियरली समझना है आपको अगर नंबर्स पे प्रिंट करना है वन टू हंड्रेड तक तो यहाँ पे सिंपली आपको आई लिख देना है एंड नाउ अगेन जब आप इसे सेव करेंगे एंड अगेन बैक टू हियर तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ज़ीरो से आपका नाइन्टी नाइन तक जो है वो आपका नंबर यहाँ पे प्रिंट हुआ दिस नाइन्टी नाइन मैसेज आपके प्रिंट हो गए हैं एंड जैसे ही हंड्रेड की कंडीशन आई वैसे ही आपको लूप हैज़ स्टॉप्ड का मैसेज सिंपली प्रिंट हो गया जो कि हमने यहाँ पे दी थी कंडीशन सो दैट ये आपका इंक्रीमेंट का है कि एक से लेके हंड्रेड तक आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं सपोज़ आपको जस्ट अपोजिट करना हो आपको डिक्रीमेंट के लिए अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना हो तो वो कैसे करेंगे गाइज तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा हमें डिक्रीमेंट के लिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट का यूज़ करना होगा एंड जो ये कंडीशन है इसे हमें जो है अपोजिट uh, करना होगा आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो हमें हमें यहाँ पे करना होगा एंड यहाँ पे जो है हमें अपनी वैल्यू को फिक्स करना होगा आई इज इक्वल टू हंड्रेड नाउ आई इज़ इक्वल टू हंड्रेड ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है एंड आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ये हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी है एंड यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट कर दिया है आई इक्वल टू आई माइनस वन का नाउ अब ये लूप कैसे चलेगा हमने जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो ये वैल्यू है पहले ये चेक होगी कि आई इक्वल टू हंड्रेड है कि ज़ीरो है कि क्या है देन फिर ये इस कंडीशन को चेक करेगा आई इज ग्रेटर देन ज़ीरो दैट मीन्स दैट यहाँ पे अगर हंड्रेड है तो सिंपली ये यहाँ पे पहले चेक करेगा आई इक्वल टू हंड्रेड देन फिर ये कंडीशन को ये देखेगा कि जो हमने यहाँ पे दिया है i इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सो हंड्रेड जो है वो ज़ीरो से बड़ा है ये कंडीशन सही है देन सिंपली यहाँ पे वन का डिक्रीमेंट हो जाएगा और सिंपली आपका नाइन्टी नाइन प्रिंट हो जाएगा एंड देन फिर जब हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे नाइन्टी नाइन हो गई है देन फिर यहाँ पे अगेन चेक करेगा नाइन्टी नाइन जो है हमारा ज़ीरो से छ ज़ीरो से बड़ा है तो अगेन ये सही कंडीशन है एंड देन वन का यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा एंड सिंपली यहाँ पे नाइन्टी है सो so दैट ये हमारा जो है वन तक जाएगा एंड जैसे ही आपकी वैल्यू ज़ीरो होगी यहाँ पे फिर अगेन चेक करेगा ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो ये आपका फॉल्स हो जाएगी कंडीशन एंड सिंपली आपको ये लूप हैज स्टॉप्ड सिंपली आपको यहाँ पे ये यह प्रिंट कर देगा तो सिंपली हमें यहाँ पे सेव करना है एंड नाउ जल्दी से हम इसे देख लेते हैं तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है हंड्रेड नाइन्टी नाइन नाइन्टी सेवन सिंपली ये हमारा डिक्रीमेंट नंबर जो है हमारा डिक्रीज होता गया है एंड नाउ वन तक आया जैसे ही ज़ीरो की कंडीशन आई लाइक दैट जैसे मैंने आपको कहा था जो हमारा लूप है वो सिंपली यहाँ पे लूप हैज़ स्टॉप्ड सिंपली आपको मैसेज प्रिंट हो गया है so, सो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए छोटा सा कोड क्रिएट कर लिया फॉर लूप का यूज़ करके वेरी गुड गाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं हम नाउ अब हमें क्या करना है सपोज़ अगर अब हमें इवन और नंबर्स को फाइंड करना हो सपोज़ कि इवन नंबर कैसे हम फाइंड कर सकें और नंबर कैसे फाइंड कर सके फॉर लूप का तो वो चीज़ जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार सिंपली हम इसे यहाँ पे क्लियर कर देते हैं एंड नाउ हमें जो है यहाँ पे इवन और नंबर के लिए अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है सो दैट यहाँ पर हम सिंपली लिख देते हैं फाइंड इवन नंबर्स सो इवन नंबर को फाइंड करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इवन नंबर क्या होता है सपोज़ यहाँ पे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं टू से तो उसका जो रिमाइंडर अगर ज़ीरो होता है तो वो सिंपली हमारा जो है इवन नंबर कहलाता है और अगर उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो नहीं होता है तो सिंपली हम उसे ऑड कहते हैं तो यहाँ ये यह जो हमें एक छोटी सी मैथमेटिक्स पता है इवन नंबर और ऑड नंबर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं नाउ अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है डिवाइड की जगह हम यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मॉडुलर ऑपरेटर सो दैट यहाँ पे मॉडुलर जो है वो परसेंट साइन से यहाँ पे डिनोट uh, uh, किया जाता है तो सिंपली नाउ हमें इवेंट और और नंबर को फाइंड करना है तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है उसे यहाँ पर हमें चेंज करना होगा अगेन हमें इसे प्लस करना होगा एंड कंडीशन जो है उसे चेंज करना होगा अगेन कंडीशन दी है आई इक्वल टू ज़ीरो एंड आई इज़ ग्रेटर देन सॉरी आई इज़ लेस देन हंड्रेड एंड आई प्लस प्लस नाउ यहाँ पे हमें अब लिखना है इफ़ बिकॉज हमें इवेंट और नंबर फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे अगेन इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा सो इफ यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ़ आई मॉडुलर टू इक्वल टू इक्वल टू यहाँ पे हम इसे ज़ीरो से कंपेयर करेंगे मतलब I मॉडलो टू का मतलब है कि ये I की जो भी वैल्यू होगी वो दो से डिवाइड करेंगे एंड उसका डिवाइड uh, करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे ज़ीरो से कंपेयर किया जाएगा अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो वो आपकी इवेन होगी अगर ज़ीरो नहीं है तो वो आपका ऑड होगा तो सिंपली यहाँ पे फिर आपका प्रिंट हो जाएगा डीबग डॉट लॉग आई एंड सिंपली इसे हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे सो so, नाउ आपको इसे सेव करना है एंड को वापस आना है यूनिटी एडिटर में नाउ अगेन जस्ट प्रेस प्ले सो दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सिंपली जो है वो प्रिंट हो गया है इवन नंबर्स जो है आपके टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी सिंपली आपका ये पूरा नाइन्टी एट तक जो है आपके इवन नंबर्स आपके सिंपली फाइंड हो गए हैं तो so अब हमें Uh, और नंबर्स के लिए अपने प्रोग्राम को क्रिएट करना है सो so यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइन और नंबर्स तो और नंबर के लिए हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा जो हमने आई मॉडलर टू इक्ल टू इक्ल टू ज़ीरो लिखा है जीरो की जगह हमें वन करना होगा सो so अगर रिमाइंडर अगर आपका वन आता है सो so, वो आपके जो है और नंबर्स होंगे तो सिंपली इसे अगेन सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे यूनिटी एडिटर में आपको बैक आना है एंड अगेन नाउ जस्ट प्रेस प्ले सो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपके और नंबर्स है वन थ्री फाइव सेवन नाइन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन सो यहाँ पे आपका सिंपली सारे ऑड नंबर्स आपके फाइंड हो गए हैं नाइनटी नाइन तक एंड जैसे ही हंड्रेड की कंडीशन आए वैसे ही आपका ये लुप हैज़ स्टॉप यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट हो गया है सो so, ये हमारे जो चार प्रोग्राम्स थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इवन और और नंबर्स को फाइंड करने के वो हमने सिंपली फाइंड कर लिए हैं सो so, नाउ कोई भी अगर आपको नंबर प्रिंट करना है लाइक like, मुझे चाहिए कि मैं ज़ीरो uh, से हंड्रेड के बीच में अगर मुझे सेवेंटी नंबर फाइंड करना है तो वो मैं कैसे करूँ सो so, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे कि आप किस चीज़ के लिए यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं कोड लिख रहे हैं सो फाइन एनी नंबर सो लाइक यहाँ पे मुझे सेवेंटी फ़ाइव फाइन करना है तो मैं यहाँ पे इफ़ की जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है उसमें मैं सिंपली जो है कंपेयर करा दूँगी आपने आई की वैल्यू को उस नंबर से जो मुझे फ़ाइंड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई इक्वल टू इक्वल टू सेवेंटी एंड यहाँ पे जो है हमें सिंपली थोड़ा सा चेंज करना होगा वो ये है कि यहाँ पे आपको लिखना होगा स्ट्रिंग आई इक्वल टू अगेन आपको स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा एंड प्लस आई नाउ सेव योर कोड एंड अगेन यहाँ पे आपको वापस आना है क्लियर करना है नाउ अगेन जस्ट प्रेस प्ले तो सिंपली आप देख रहे हैं गाइस यहाँ पे जो आपकी आई की वैल्यू जो हमने दी है सेवेंटी वो सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट हो गई है तो नाउ अभी तक हमने बात की कॉन्टीन्यूस स्टेटमेंट्स की फॉर लूप का यूज़ करके नाउ अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट की बात करें गाइस तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है लाइक like, कोई भी लूप आप जो क्रिएट कर रहे हैं उसके बीच में आपका लूप ब्रेक हो जाए मीन्स uh, जैसे हमने वन से हंड्रेड तक इंक्रीमेंट uh, किया एंड उसके बीच में कोई ब्रेक आ जाए एंड जो आपका लूप जो है वो एंड हो जाए तो वो सिंपली आपका ब्रेक स्टेटमेंट है सपोज़ जो ये फाइन एनी नंबर हमने कोड क्रिएट किया है सपोज़ इसमें मैं क्या करूँ यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट का मैं यहाँ पे सिंपली यूज़ कर देती हूँ यहाँ पे मैंने कंडीशन दी है इंक्रीमेंट की सो so, अगर ये सही होगा तो सिंपली आपको प्रिंट हो जाएगा ये सिंपली आपको i की वैल्यू जो है वन टू हंड्रेड तक प्रिंट कर देगा बट यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट के कोड के अंदर एक यहाँ एक इफ़ की कंडीशन दे दी कि i इक्वल टू इक्वल टू ट्वेंटी जैसे ही i की वैल्यू ट्वेंटी होगी जो ये आपका कोड है ये आपका ब्रेक हो जाएगा आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे देना है ब्रेक एंड देन सेव योर कोड सो यहाँ पे देख रहे हैं गाइस आप जीरो से आपका नंबर प्रिंट होना शुरू हुआ है ट्वेंटी तक सिर्फ प्रिंट हुआ देन उसके बाद लूप हैज स्टॉप आपको सिंपली मैसेज प्रिंट हो गया ये क्यों हुआ गाइज बिकॉज़ यहाँ पे हमने ब्रेक की कंडीशन दे दी है कि जैसे ही आपकी आई की वैल्यू ट्वेंटी के बराबर आएगी वैसे ही आपका लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा तो ये आपका ब्रेक स्टेटमेंट है आपके लूप्स के अंदर ये काफ़ी यूज़फुल है इसका यूज़ आप सपोज Uh, अपने uh, अपने एनमेन्स में अपने गेम्स में अपने प्लेयर की कोई भी कंडीशन आप फिक्स कर दीजिए लाइक like आपकी लाइफ जो है आपके प्लेयर की हंड्रेड है नाइन्टी नाइन टाइम्स सपोज़ आपका प्लेयर अगर हिट होता है देन जैसे ही हंड्रेड टाइम्स आपके प्लेयर को आपका एनिमी uh, हिट करता है वैसे ही जो है आपकी आपका जो प्लेयर है वो आपका डाई हो जाएगा सिंपली uh, इस टाइप के लॉजिक्स आप यूज़ कर सकते हैं uh, फॉर लुक के थ्रू अपने गेम्स में अपने एनिमेशंस में तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिटेल में समझी हैं गैस सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में